टुडे वी विल डिस्कस यूनिट थ्री एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी देर आर टू चैप्टर्स इन दिस यूनिट द फर्स्ट चैप्टर विच वी विल डिस्कस इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश करते हैं कि हु वॉज द फादर ऑफ बायोटेक फादर ऑफ बायोटेक वॉज पॉल बर्ग राइट Now, we will have to know before discussing other aspects of the chapter that what is biotechnology exactly and what it uses. Biotechnology, kya use karti hai? Living organisms, enzymes or unke products, which are beneficial to the welfare of mankind. Suppose, वेरी सिंपल एंड वेरी वेल नोन एग्जाम्पल देखते हैं इस केस में कि हम किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं डायबिटीज uh, की शिकायत जिन लोगों को रहती है दे यूज द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन नाउ इंसुलिन इज अ हॉर्मोन ठीक है विच इज सिक्रिएटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आईलेट्स ऑफ लैंग ऑफ द पेनक्रियाज अब जिन लोगों की बॉडी ये इंसुलिन नहीं बना पाती है दे सफर फ्रॉम डायबिटीज ठीक है तो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ मेड यूज ऑफ सम जीन्स विच प्रोड्यूस दिस इंसुलिन एंड दिस डीज जीन्स दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ ईकोलाय बैक्टीरिया सो नाउ इसका मतलब है कि हम ईकोलाय बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी इकोलाय बैक्टीरिया को यूज कर रही है टू प्रोड्यूस इंसुलिन राइट और ये इंसुलिन जो है मार्केट हो रहा है और वेरियस टाइप के पेशेंट्स को इंजेक्शन के तौर पर मिल रहा है ये मार्केट में ठीक है सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम विच वी यूज देयर नाउ बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर डीएनए इज

यहाँ से इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला और उसको ऐड कर दिया ई कोलाये बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में सपोज़ ये ई कोलाये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है और ये जो ब्लू स्केचपिन से बनाया दिस इज़ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो इन दोनों के जुड़ने से जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ देखिए ये ब्लैक पेन से जो बना है प्लाज्मिड ऑफ इकोलाय है ये पोर्शन और यहाँ पे छोटा सा हिस्सा ब्लू पेन से है दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम सो द स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड इज नोन एज आर डी एन ए रिकॉम्बोनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट का मतलब है दो टाइप के डीएनएस के झुंने से ये बना है आर डी एन नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे एंजाइम्स which are used by in biotechnology vectors host certain techniques of biotechnology like gel electrophoresis pcr western blotting northern blotting southern blotting etc ठीक है कुछ पार्ट्स हम इसमें इस डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे pcr gel electrophoresis वगैरह और इस पे थोड़ी थोड़ी नजर डालेंगे ठीक है सो so, सबसे पहले हम एंजाइम्स देखते हैं कि which enzymes are used in biotechnology सो so, दीस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम्स फर्स्ट काइंड ऑफ एंजाइम्स आर लाइजिंग now hame हमें पता है कि किसी भी चीज़ को लाइज करना है मीन्स उसको तोड़कर अंदर penetrate करना है अब हम चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हमें जेनेटिक मटेरियल चाहिए एंड वी नो दैट जेनेटिक मटीरियल कहाँ लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है तो इस न्यूक्लियस तक पहुँचने के लिए हमें एन्जाइम्स की जरूरत पड़ेगी टू ऑप्टेन जेनेटिक मटीरियल लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस लाइजिंग एन्जाइम्स आर यूज ठीक है और ये प्लांट सेल एनिमल सेल फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल्स में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि प्लांट सेल में प्लांट सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की ठीक है तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए है वी हैव है एंजाइम सेल्यूलेज और थोड़ा बहुत पैक्टिन भी है अगर तो वी हैव है एंजाइम पैक्टिन प्रोटीएजेस दे विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स लाइपेज दे विल डाइजेस्ट फॉस्फोलिपिड्स और ये दोनों चीज़ें जो हैं दोनों एंजाइम्स प्रोटीएजिज एंड लाइपेजेज दे विल डाइजेस्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्यूलेज एंड पैक्टीनेस दे विल डाइजेस्ट द सेल वॉल एनिमल सेल के केस में सेल वॉल नहीं है तो सेल्यूलेज और पैक्टिनेज की ज़रूरत भी नहीं है प्रोटीएजेज और लाइपेजेस जो है दे विल सिंपली डाइजेस्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंगल सेल दे डाइजेस्ट फंगल सेल इज मेड काइटिन ठीक है तो एंजाइम है जो काइटिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीएजिज और लाइपेज अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बैक्टीरियल सेल के केस में हमारे पास लाइजोजाइम एंजाइम है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टीडोग्लाइकिन रेस्ट ऑफ द एंजाइम्स एंड अदर पार्ट्स होस्ट वेक्टर्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो